हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में आज हम बनाएंगे केलियों की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये केलियाँ होती हैं इस तरह की, जे हमारे गांव में होती जाती है ऐसी सब्ज़ी। मार्केट में मिलती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल इस सब्ज़ी का बहुत सीजन चला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ऐसी होती है ये। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें, ये केलियाँ बोलते हैं हम इसे। अगर आपको भी पता है इसके बारे में तो आपके इधर क्या बोलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएँ। उसके लिए चाहिए, और चाहिए हमें आलू। तो अब हम आलू और केलियों को काट लेते हैं, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आलू ये काट लिए है और हमने अपनी केलियाँ काट ली। अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे, तो चलो मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए हमें चाहिए, तो फ्रेंड्स मसाले के लिए हमने लिया ये प्याज, लहसुन और ये हरी मिर्च। मिर्ची आप अपने हिसाब से, मसाला वो अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे आम सब्ज़ी के लिए काटते हैं। हमारे पास जो प्रोवाइड है हम उसी के हिसाब से बना के आपको दिखाएंगे। तो हम मसाला बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब डालेंगे हम मसाला। ये हमने इसमें प्याज लिया है, थोड़ा लहसुन लिया है और हरी मिर्च ली है। तेल गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो गांव की जो सब्ज़ियाँ होती है ना, अपनी घर की कोई भी सब्ज़ी होती है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। हर सीज़न में गांव के कोई अलग अलग सब्ज़ियों का सीज़न चला जाता है। आजकल इस सब्ज़ी का सीज़न है। धो लिए हमने अपनी सब्ज़ी और अब हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक गया है और इसमें हम ऐड करते हैं। ये हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं। देखने में इसका लुक होगा फ्रांसबीन की तरह। फ्रांसबीन थोड़ी लंबी होती है लेकिन इससे थोड़ी छोटी होती है। अच्छा आ रहा है हमारे इसका। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका भी तो आप भी मैं भी इस सब्ज़ी को बनाए हैं, खाया है, तो हमें बताएं कमेंट देख के आप इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं और आपको ये सब्ज़ी कितनी अच्छी, काफ़ी यमी होती है खाने में। और अब हम अपनी सब्ज़ी को पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स एक बार इसमें पानी ना लगाएं तो, और इसे धीमी आंच पे पकाएं, ज़्यादा तेज आंच पे इसे ना पकाएं क्योंकि एकदम से जल जाएगी। धीमी धीमी आंच पे इसे पकाएं, मीठी मीठी आंच पे, तभी अच्छे से पक जाएगी। और ज़्यादा टाइम नहीं पक जाएगी, ये 15-20 मिनट में मैक्सिमम पक जाएगी। तो इसमें अगर ज़्यादा ही जल जाए, नीचे लग जाए, तो हल्का सा 2-3 चम्मच के हिसाब से पानी डालना और ये इसको
की सब्ज़ी बनती है, दही के साथ ये बहुत ही यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, तो हमने अपनी सब्ज़ी बना ली है, तब से पकेगी। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।